आज मैं एक आलो से 10 किलोमीटर दूर एक पाया विलेज है, 10 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया है, 6 से 7 किलोमीटर दूर होगा एक पाया विलेज है, और उस पर जाने के लिए ना आपको हैंगिंग ब्रिज से पार करके जाना पड़ेगा। तो आज मैं इसमें आया हूँ, और यहाँ पे पास में नदी भी है, अभी मैं दिखा नहीं रहा अच्छे से, जब मैं इसको पार करूँगा, मेरी बाइक भी मेरे साथ में है, तो बाइक को लेके ही मुझे पार करना है ब्रिज। और ये बहुत सुंदर गांव है, आज मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा, और यहाँ की लाइफ, लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं, कैसे उनके घर हैं, ये सब दिखाएंगे आपको। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और इतने ब्यूटीफुल विलेज है, बहुत सुंदर विलेज है। तो ये विलेज है, तो ये वो हैंगिंग ब्रिज है भाई, ये वाला, इधर नदी है और ये मेरी बाइक है, अब मैं इसको लेके निकलूँगा। तो भाई ये ब्रिज है, वो मेरी लड़का दे ऐसे ही चला के जा रहा है बचपन। तो ये ब्रिज है भाई, ये ब्रिज हम पार करके आए हैं, और अभी आगे सामने में वो बस्ती है, उधर में जाएंगे, और बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है। चलो लेट्स गो, यहाँ मैं घर भी दिखाते हैं आपको कैसे घर हैं। तो भाई एक हम ये बस्ती में पहुँच गए हैं, इस बस्ती का नाम है पाया, और ये देखो कितना सुंदर है, मतलब बहुत अच्छे नज़ारे दिखते हैं यहाँ से। और अभी मैं हम किसी घर में जा रहे हैं, किसी दोस्त के घर पे, अभी दिखाते हैं आपको उसका घर वगैरह सब कुछ। तो यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं, अल्टीमेट एक नंबर। और ये विलेज है, ये जहाँ हम जा रहे हैं, दिखाते हैं अंदर जाके घर कैसे है, और मैं लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई है, ये चावल पीसने वाली मशीन, ये कुछ कह रहा है इस तरीके का। हेलो करो रुदन भाई। हाय, हेलो। डोरेमोन इधर आओ, इधर मैं बताता हूँ कौन सा है, इधर आओ, पास में आओ, इधर आओ, इधर आओ। डोरेमोन देखते हो तुम, डोरेमोन हैं? नहीं 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 नहीं
तो ये पाया बस्ती का भाई टॉप से कुछ ये घर है और ये कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है यहाँ से। बहुत ही सुंदर बस्ती है ये, बहुत ऊपर से देखने में बहुत मज़ा लगता है। और ये जो ये आप देख रहे हैं ना, ये सब धान के वो है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब अपना अनाज स्टोर करने के लिए। और भाई ये लोग नई टेक्निक से बनाते हैं इनको, देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसको दिखाने का। देखो ये इन्होंने बनाया, इनको ये लोग अपने घर से दूर बनाते हैं इसको। उसका रीज़न ये है कि ताकि जैसे घर वगैरह में आग वगैरह लग जाए तो उनका कम से कम खाने के लिए उनका धान तो में कोई प्रॉब्लम ना रहे, मतलब धान सेफ रहे। दूसरा जैसे इन्होंने बनाया, उसके बाद देखो चूहे से बचाने के लिए इन्होंने ये किया हो ताकि कोई इधर से चढ़ ना पाए ऊपर। देखो कितना टेक्निक यूज़ किया उन्होंने। Don't you?